बापूजी के सानिध्य में कहीं शिविर का आयोजन हो वहाँ जाते हैं तो ऐसे एकांत के 5 सुंदर लाभ हैं। एक तो बाह्य अवरोधों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे बैठो अकेले में माला लेकर तो मनोराज हो सकता है, इधर उधर के फालतू विचार आ सकते हैं, पर गुरुदेव के सानिध्य में बैठो तो फालतू विचार आने का सवाल ही नहीं है, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये लाभ है गुरु के संग में बैठने का, सत्संग में शिविर में बैठने का। दूसरा लाभ है दंभ करने का अवसर चला जाता है। अब सत्संग में बैठे तो किसके सामने अपने को अच्छा दिखलाने के लिए कोई करेगा क्या? कोई जेब से आईना निकाल कर देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? दंभ करने का अवसर चला जाता है। तीसरा, शरीर भी ठीक रहता है। पर सचमुच बापूजी जो कहते हैं वैसा अगर आदमी खान पान जीवन बनाए ना तो उसको, मुझे तो 22-23 साल हो गए, 24 साल अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी है, क्योंकि बापूजी जैसा बताते हैं उतना 100% तो मैं नहीं कर पाता, पर फिर भी गुरुदेव के बताए अनुसार जितना भी करते हैं उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऋषि प्रसाद मैगजीन में जो शरीर स्वास्थ्य के बारे में एक पेज छपता है वैसा अगर कोई करे, मुझे एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया, अमरेली गुजरात में है, सौराष्ट्र में अमरेली, वहाँ के एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने कहा कि ऋषि प्रसाद में जो एक पेज स्वास्थ्य विषयक छपता है वो अगर कोई पढ़ के वैसा ही अपना खान पान बनाए ना, वो कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो खुद पहले बीमार रहते थे, ऋषि प्रसाद पढ़ने से उनको बहुत फायदा हुआ। तो शरीर भी ठीक रहेगा, तीसरा फायदा। चौथा, जितना समय सत्संग में एकांत में रहेंगे उतना समय असत्य से बचे रहेंगे। अभी कौन झूठ बोलेगा? असत्य से बचाव होगा। और फिर पांचवा फायदा यह होगा कि अभिमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभिमान के लिए भी चाहिए कोई, यहां तो किसी को किसी से अपने को श्रेष्ठ दिखाना नहीं है, भगवान के विषय में सुनने के लिए बैठे हैं, तो अब भगवान का नाम सभी मिलकर उच्चारण करेंगे, हरि ओम।